शिनचैन एक्शन कामेन वर्जन लिया मैंने, साथ में मैंने एक ये परमैन लिया है। बट अभी मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ कि ले लिया जाए और मम्मा को सरप्राइज करते हैं। एक कस्टमर था, उसको मैंने 100 पार्ट बोले तो मुझे वो 1 रियाल दे गया, 1 रियाल। और ये भाई 100 पार्ट के बराबर है। टैंक है, देन यहाँ पे बाइक है, H2 मतलब ट्रांसफॉर्मर्स भी हैं। सब्सक्राइब टू YPM व्लॉग्स एंड क्लिक द बेल आइकन। जो सारा मेरा सामान है वो हो चुका है पैक, टाइम हो चुका है 12:15। यहाँ मेरा जो मेन चेक इन वाला बैग है वो है, लैपटॉप बैग है, इसमें कैमरा भी मेरा, और साथ में ये है मेरा बैग जो लेके जाऊँगा मैं साथ में केबिन में। जितने सारे बॉक्सेस थे मैंने सारे फेंक दिए, बिकॉज भाई इतना ज़्यादा इनका वेट हो रहा था ना कि अकेले जो सारे बॉक्सेज है ना यही 10 किलो के, और बैगेज अलाउड सिर्फ 20 किलो है, तो भाई कैसे ही हो पाता बिकॉज इतना कुछ भारी हो रहा था। एंड बाय द वे वेट, सो व्हाट इज़ अप गाइस, YPM व्लॉग्स बैक हियर। तो भाई आज करने वाले हैं हम बैंकॉक एक्सप्लोर फॉर द लास्ट टाइम, बिकॉज उसके बाद मेरी शाम की फ्लाइट है। उसके बाद में आज जो व्यू है ना वो भी बहुत ज़्यादा एक नंबर है। देखो ये सामने इंदिरा मार्केट है, पैरागॉन मॉल, सेंट्रल रोड में को भी जाना है बिकॉज यहाँ मिलती है कॉफ़ी अरबिका की, और यहीं पे है एप्पल स्टोर भी। तो अपने करते हैं आज के ब्लॉग को स्टार्ट और अपनी करते जर्नी को स्टार्ट, बिकॉज भाई दिल्ली जाने की मतलब बहुत ज़्यादा वेट हो रही है बहुत दिनों से, बिकॉज भाई बंदा ना बोर हो जाता है कि मतलब यार कोई कितना कोई घूम लेगा, तो बस लेट्स गो। हमेशा रूम से निकलने से पहले ना पूरा सामान चेक कर लो कि आपके पास पूरा सामान है वो आपने ले लिया है या नहीं लिया। तो अब बस टाइम आ चुका है सारे बॉक्स वगैरह भी भाई बोलने का। ये एक्चुअली मैंने यहाँ से रोबोट लिया था बॉक्स, भाई इसका देखो कितना सही लग रहा है, इसमें कुछ लिखा हुआ है, लेकिन भाई आई कॉन्ट टेक दिस ना, बट कोई बात नहीं, स्टिल जो होता है अच्छे के लिए होता है। 12 के बाद कोई 13 नहीं, सीधा 14 है, पता नहीं ऐसा क्यों है। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि ये लोग मतलब 13 को आई थिंक अनलकी नंबर मानते हैं। चेकआउट मेरा हो चुका है डन, बस अभी मैं एक बार बैग का वेट देख लेता हूँ। तो जो बैग का वेट है वो यार 10 किलो यहीं पर ही हो रहा है यार, और लेआउट सिर्फ 7 किलो है, सिर्फ इसी का इतना वेट है। मेरे पास तो ये वाला बैग भी है, इसमें लैपटॉप है। पता नहीं भाई, छोड़ो इसको रखवाता हूँ, ये तो पूरा 20 किलो है, मतलब बहुत बढ़िया। सामने सेंट्रल वर्ल्ड मॉल है, लेकिन वॉक है भाई 12 मिनट की, और भाई मेरा इस वक्त गर्मी में हालत ख़राब हो रहा है तो मैं ये स्कूटी पे जा रहा हूँ, बहुत सस्ती पड़ जाती है ये। भाई ये TT कितनी सही लग रही है यार, और यार यहाँ पे जो प्राइसिंग है TT की वो तो बहुत सस्ती है, मतलब इंडियन 50 लाख में TT आ जाती है, और भाई इंडिया में लोग पुरानी गाड़ी की 50 लाख मांगते हैं। चलो सेंट्रल वर्ल्ड मॉल इज़ हेयर, यहाँ जाएंगे अब अरबिका। ये दिख रहा था मेरे होटल से, मेरा होटल वो है वहाँ मेरा समय नहीं रूम था। गाइस इतने दिनों से वेट करा है, अपनी कॉफ़ी आ चुकी है स्पैनिश लाटे, मैं भी एक और पीऊँगा, एक से तो मेरा मन भरेगा नहीं। ये अरबिका है देखो, और यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इसको। दिस कॉफ़ी इज़ बेटर देन स्टारबक्स आई विल से, बहुत ज़्यादा अच्छी है। एक से मेरा मन नहीं भरा तो दूसरी मैंने ले ली, कोई बात नहीं। सितंबर में तो अभी दो आगे पीनी है, सितंबर तो आने तो एक बार, तब तक के लिए कॉफ़ी इज़ द बेस्ट। यार यहाँ पे मशीनों की सारी मिल रही हैं टी शर्ट्स, अपेरेंटली पता नहीं दुबई से बहुत सस्ती हैं यार यहाँ पे, मतलब 15,000 रुपये की मिल रही हैं। नहीं तो दुबई में ये होती हैं 1000 दिरहम की, भैया 1500 दिरहम की। सामने केंजो भी है, और यहाँ पर डिस्काउंट भी चल रहा है 5% का, सब जगह डिस्काउंट भी है, साथ में इतनी बढ़िया क्वालिटी के कपड़े मशीनों के। ये देखो कितने सही सही गिटार्स अवेलेबल हैं यहाँ पे, मुझे इतनी नॉलेज है नहीं इनकी, बट मेरे को बहुत सही लगे यार सारे। देखो कितनी सही वैरायटी है यहाँ पे, सारे लोग देखो शॉपिंग कर रहे हैं गिटार्स की। ये एक रेस्टोरेंट है जहाँ मिलता है मांस वराती, मतलब वेज फूड, तो जब भी आप जाओ ना उनको बोलना मांस वराती। और ये मेरी बबल टी आ गई है, आपको एक बार दिखाता हूँ यहाँ पे कितना कुछ है ऑप्शंस में। ये पूरा वेज है देखो, मतलब वेजिटेबल्स, और यहाँ से पूरा पॉर्क आ गया, बीफ आ गया, यहाँ पे भाई इनका सुखी सेट है इसमें, भाई बीफ, डक, पता नहीं क्या क्या होता है, स्क्विड्स हैं, देखो इतना कुछ इनके पास मेन्यू में अवेलेबल होता है। ये रोबोट देखो आ गया यहाँ पे मेरे नूडल्स लेकर के, और ये सूप भी आ गया, बाय बाय। वेजिटेबल्स आर हेयर, ये सारी एक्चुअली जाएंगे इसके अंदर, तो आई विल हैव टू इंसर्ट दीज, स्पून से डाल दूँगा इसके अंदर, तो फिर ये बॉयल हो जाएंगे। देखो उसमें कॉर्न भी है, पूरा पेट भर गया, और इतना हेल्दी फूड मैंने खाया है ना, एक तो रामेंस थे साथ में पूरा वेजिटेबल सूप, उसमें मशरूम्स थे, और मतलब क्या कुछ नहीं था, पूरा मतलब हेल्दी खाना था ये। MK रेस्टोरेंट्स, मतलब यहाँ का मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैंने इसे पटाया में भी ट्राई किया था, बट फिलहाल मैं अब ज़रा जा रहा हूँ यहाँ से सियाम ली, जो कि है 4-5 किलोमीटर, तो नीचे जाके टैक्सी पकड़ते हैं। सीन क्या था कि भाई मम्मा को चाहिए थे बोस के सराउंड स्पीकर्स, फिर मेरे को मम्मा ने बोला कि रहने थे क्या ही लाएगा,
बट अभी मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ कि ले लिया जाए और मम्मा को सरप्राइज़ करते हैं इसके साथ में, ताकि यहाँ पे आइटम्स एक्चुअली बोस की इंडिया से कंपेयर करूँ तो सस्ती हैं। मेरे को जो सेम स्पीकर्स यहाँ पे हैं 29,000 रुपये के हैं और ये सेम इंडिया में 44,900 के हैं, तो मतलब 15,000 रुपये सीधे सीधे बच रहे हैं, तो भाई क्यों ना लूँ मैं ये। बस लेट्स गो। मैं ना देखो सीधा पार्किंग के अंदर आ गया गलती से, तो ये एक्चुअली पार्किंग है, सिर्फ सुपर कार्स की पार्किंग है और लैम्बोर्गिनी हुराकन, ऑडी टीटी, फरारी, रोल्स रॉयस कलीनन, i8 S1000 RR खड़ी हुई है, लैम्बोर्गिनी उरुस, पोर्श 718। अभी मैं टैक्सी पर जा रहा हूँ सिफान प्लाजा। बाकी यार देखो यहाँ पे है ये टेंपल एंड दिस इज़ लुकिंग वेरी गुड यार, बहुत सही एंट्रेंस है सामने देखो। अभी टाइम हो चुका है फिलहाल तो 3:44, बस के बाद मेरे को अभी एयरपोर्ट भी निकलना है, तो लगभग अपने होटल वापस आ जाऊँगा मैं 5:30 बजे, देन आई लीव फॉर द एयरपोर्ट बिकॉज यहाँ से एयरपोर्ट है लगभग 45 मिनट्स। ये है पूरा एरिया देख लो, चाइना टाउन, सब कुछ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है चाइनीज़ के अंदर। और यार यहीं पे वो क्रोकोडाइल वगैरह मिलते हैं खाने पीने के लिए और लिटरली लोग सब बर्गर बना के खाते हैं, तो बिल्कुल पास में चाइना टाउन के है वो टॉय मॉल इज़ हेयर। यहाँ पे चेस्टर्स भी है, चेस्टर्स लाइक मतलब बहुत लोग इसको लाइक करते हैं यहाँ पे, इट्स जस्ट लाइक मैकडॉनल्ड्स वगैरह बोल सकते हो। बाकी मेरे को अभी एक मॉडल चाहिए पर मैन का, मैं कहीं मिलता है तो देखते हैं यहाँ पे। यहाँ भाई मिल तो गया एक जगह, ये कह रहे हैं ये दिपा दिखा देता हूँ मैं आपको अपने हिसाब से, भाई प्राइसिंग वगैरह कर लेते हैं फिर। मेरे को इन्होंने बोला 3,000 भाट इसके, तो अच्छा रहा है इसका हेलमेट वेलमेट अच्छा फिक्स है, इज इट फिक्स्ड है तो सही इनके पास में, लेकिन वो बहुत छोटा है मतलब ऊपर से वो फिक्स्ड भी है ना, वही बड़ा सा मॉडल मिल जाए तो सही रहेगा पर मैन। मैं स्पेशली मतलब इतना दूर पर मैन लेने के लिए आया हूँ। ये डॉल्स के भी हैं देखो, शिनचैन एक्शन कामिन वर्जन लिया मैंने, साथ में मैंने ये पर मैन लिया है। देखो ये जगह ना एक दलदल की तरह है, तुम जितना अंदर जाओगे तुम कुछ ना कुछ लेते रहोगे। देखो यहाँ पे डुकाटी के सारे मॉडल्स पड़े हुए हैं, यहाँ पे सारे बाइक मॉडल्स हैं, कार्स मॉडल हैं, ये देखो। अभी जाते हुए आ गया सामने अरेबिका, तो मैंने इनकी कॉफ़ी ले ली है, कॉफ़ी आइसक्रीम है ये, तो ये भी एक्चुअली यहीं पर ना बनाते हैं, यहाँ पे सब लोग अभी कॉफ़ी एंजॉय कर रहे थे, तो आई जस्ट थॉट की जरा ये भी ट्राई करते हैं, बिकॉज ये दुबई में नहीं मिलती। वापस आके जो बोस वाला स्पीकर मैंने इसमें रख दिया है, ये 14 किलो का बैग हो गया भाई, 7 किलो अलाउड है। पीछे पूरा इन्होंने सामान तो रख दिया है, बट मेरे को वही एक बात है कि डर सा लग रहा है कि कोई दिक्कत ना आए, बट जो भी है अब जाना तो है ही। भैया मुझे बता रहे हैं कि एक कस्टमर था, उसको मैंने 100 पार्ट बोले तो मुझे वो 1 रियाल दे गया, 1 रियाल और ये भाई 100 बाट के बराबर है, वो कह रहे अपने मुझे 1 रुपये दे गया एक तरह से और मेरे को 100 बाट हो गए। बैंकॉक एयरपोर्ट में मैं आ चुका हूँ एंड भाई जो मेरे भैया थे ना बहुत अच्छे लगे यार, मतलब उनके नीचे बहुत ज़्यादा अच्छा था। यहाँ पे जितना है टैक्सी ड्राइवर है ना भाई सारे मतलब ऐसे हैं कि आपको लूटने को तैयार हैं, लेकिन जो ये थे ही वॉज अ वेरी हम्बल पर्सन। ये अंदर मैं आ गया हूँ, यहाँ सारे ब्रांड्स हैं, गुची है, LV है और यहाँ जितनी भी हर ड्यूटीज़ है बैंकॉक के अंदर ड्यूटीज़ होती हैं, तो यहाँ पर आपको चीज़ें यहाँ पे रेंट सस्ती मिलती हैं, सामने ड्यूटी फ्री है। बट मेरे को जाना है अभी वैट रिफंड लेने के लिए, मेरा अभी तक तो कोई दिक्कत हुई नहीं है बैगेज की, बिकॉज वो वाला जो मेरा बैग था वो 22 किलो था, तो उन्होंने वो तो छोड़ दिया। बट अब ये जो ये वाला बैग है ये मेरा 14 किलो का है और जो मैं टांगा हुआ है यही 2-3 किलो का है, तो थोड़ी दिक्कत लग रही है, बट लेट्स सी बैलेंस ही आगे भी यहाँ पर है। मैं तो जा रहा हूँ बिल्कुल लास्ट में वैट रिफंड लेने के लिए। टैक्स रिफंड मैंने ले लिया है, मेरे को मिले हैं 1480 भाट पूरे टैक्स रिफंड के अंदर, और अब मैं जा रहा हूँ टुवर्ड्स माई गेट जो कि है सी। वैसे तो अभी मतलब बोर्डिंग टाइम के अंदर 2.5 घंटे हैं, तो 2.5 घंटे क्या करूँगा मुझे नहीं पता, बट ठीक है बोर हो रहा हूँ। फाइनली लास्ट मील ऑफ बैंकॉक, मैंने अभी ये लिया है सबवे जो कि पूरा प्लांट बेस्ड है, इसमें चॉप मशरूम्स हैं और साथ में इसमें वीगन पैटी है, तो बस बैग साथ में है मेरे और जो बोर्डिंग है वो है मेरी 10:35 पे। 12:00 midnight इन्होंने मेरा बैग यहीं पर रखवा लिया है, ये कह रहे हैं कि इसको हम चेक इन करेंगे, ये फ्लाइट में नहीं आ पाएगा, बहुत बड़ा बैग है। प्लेन एंटर करते ही मेरी सीट ये रही। 3 hours later भाई दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड तो हो गया हूँ, उतरते ही भाई चेकिंग वाले खड़े थे, 2,000 रुपये मास्क ना पहनने के चलान, उतरते ही तो मास्क पहन के रखना। कैसे हो अंकल? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आप सो गए थे क्या? नहीं, लगता रहे अंकल जी सोए सोए। चलो बढ़िया बढ़िया, फर्स्ट क्लास।
तो आई एम बैक एट माई होम भाई। फिलहाल तो शॉपिंग अच्छी खासी मैंने करी है, जो सारी टी शर्ट्स वगैरह थी वो तो सारी मैंने डालती हैं अभी धोने के अंदर। बाकी ये टैंक है, देन यहाँ पे बाइक है, H2 मतलब ट्रांसफॉर्मर्स भी हैं, तो टॉयज़ वगैरह तो मैंने भाई सारे एक एक नंबर के लिए। बाकी ख़त्म करता हूँ अपने आशिफ लोग को यहीं पर ही। आप लोगों ने मेरा पूरा आशिफ लोग देखा भाई, मैं आया हूँ बैंकॉक से दिल्ली, तो ये ख़त्म करता हूँ अपने आशिफ लोग को यहीं पर ही। मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय। एंड कल की वीडियो होने वाली है सरप्राइजिंग माई मॉम विद बोस स्पीकर्स, लेट्स सी क्या वो बोलती हैं। तो या बाय बाय एंड स्टे सेफ।